आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मेरे पापा इमरजेंसी के वक्त बनाते थे जब कभी बहुत सारे गेस्ट घर पे आ जाते थे और इंस्टेंटली मटर पनीर की सब्जी बनाना होता था और जब कभी मेरी मम्मी अपने मायके चली जाती थी और हम भाई बहन घर पर अकेले रहते थे छोटे छोटे थे तब मेरे पापा ये रेसिपी हम लोग को बनाकर खिलाते थे सच मानिए बहुत ही इंस्टेंटली है इसमें किसी भी प्रकार का महंगा सामान नहीं लगता है ना तो इसमें क्रीम लगता है ना तो इसमें काजू लगता है ना तो दही लगता है कुछ भी नहीं लगता है ना कस्तूरी मेथी फिर भी ये खाने में इतना जबरदस्त है दोस्तों कि बार बार आप सिंपल तरीके से स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्जी इसी ट्रिक से बनाओगे क्योंकि मेरे पापा की ये रेसिपी बहुत ही प्यारी है बहुत ही सरल सुगम सुविधाजनक तरीके से ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लेकिन इसका स्वाद जो है दोस्तों आप एक बार इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही आनंद आ जाएगा और ख़ास बात इस रेसिपी की कि इसमें लहसुन प्याज का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इसे तीज वर्ष पूजा पाठ में भी इस्तेमाल कर सकते हो ब्रह्म भोज में भी इसे दे सकते हो और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा जिसे आप एक बार खिलाओगे उंगलियां चाटते चाटते प्लेट भी चट कर जाएँगे दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है रेसिपी आपको अच्छी लग जाए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ऐसी अच्छी और इंस्टेंटली रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मेरी अच्छी अच्छी न्यू वीडियो के आनंद लीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो तीन कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है अब यहाँ पे आप देख सकते हो वन फोर्थ करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच मैं करीब इसमें चीनी डाल रही हूँ और जो मटर मैंने छील के लिया था उसको अर्ली सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर जो है ऐसे ही बरकरार रहेगा तो इसमें छिले हुए मटर में डाल दे रही हूँ मटर यहाँ पे मैं दोस्तों 600 ग्राम ले रही हूँ यहाँ पे पैन मैंने चढ़ा दिया है वहाँ पे मटर हमारा बॉईल हो रहा है अब यहाँ पे हम दो चम्मच करीब इसमें ऑयल डाल देंगे पैन में मैंने क्यूब पीसेस में काटे हुए 500 ग्राम करीब ये मेरा पनीर है उसको डाल दिया है दोस्तों तो पनीर को ज्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा नहीं तो चूजी हो जाएंगे रबर जैसे और अगर आपको फ्राई नहीं करना है पनीर को तो आप गरम पानी में भी ऐसे ही ले सकते हो सॉफ्ट हो जाएंगे और दोस्तों पनीर को हमने फ्राई करके निकाल लिया है सेम पैन में दोस्तों आप देख सकते हो टमाटर है तो लगभग चार टमाटर मैंने बड़े बड़े साइज के लिए हैं इस तरह से काट लिए हैं टमाटर आप अच्छे वाले लीजिएगा मीठे मीठे और यहाँ पे दो इंच करीब अदरक का टुकड़ा है यहाँ पे चार हरी मिर्ची है यहाँ पे सूखी हुई दो मिर्ची है रेड वाली इसको इसी पैन में हम डाल देंगे दोस्तों अब यहीं पे आप देख सकते हो दोस्तों क्योंकि इसमें हम काजू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना क्रीम का ना दही तो इसमें क्रीमी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों तो यहाँ पे पाँच से छः चम्मच मैंने रोस्टेड मूंगफली लिया है और यहाँ पे नारियल लिया है सूखा हुआ नारियल तो इसको इसमें हम ऐड करेंगे जिससे हमारा जो सब्जी है दोस्तों कम सामान में बेहतरीन और स्वादिष्ट सब्ज़ी आपको एकदम होटल स्टाइल मिले बहुत ही ज़बरदस्त बनती है तो इन सारी सामग्रियों से ये रेसिपी तो एक बार इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा दोस्तों और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और क्या ऐसी सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे दोस्तों जिससे कम सामान में आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर सिंपल तरीके से घर पर खाने को मिले यहीं पे दोस्तों टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे वन फोर्थ करीब मैंने नमक ऐड कर लिया है अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिला देते हैं और लो टू मीडियम गैस पे टमाटर को हम सॉफ्ट होने देते हैं इन सारी चीजों को तो दोस्तों तीन मिनट हो गया है हम अपना ग्रेवी चेक कर लेते हैं और ये बढ़िया से हमारे टमाटर आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गए हैं बस इतना तक ही पकाना है हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं इसको ठंडा होने देते है दोस्तों ग्रेवी हमारी ठंडा हो गई थी इसको मिक्सी के जार में दे दिया है अब हम इसको बिना पानी के ग्राइंड कर लेते हैं ये देखिए दोस्तों हमारा क्रीमी टेक्सचर वाला ग्रेवी ग्राइंड होके रेडी हो गया इसको साइड रख देते हैं इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है दोस्तों कलर वगैरह सब दोस्तों पैन में हमने दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था दोस्तों ये कड़क गई है यहाँ पे एक चम्मच करीब हम भर के जीरा डालेंगे साथ ही साथ यहाँ पे खड़े मसाले हैं दालचीनी है चार हरी इलायची और चार लौंगली हैं यहाँ पे दोस्तों दो सूखी हुई मिर्ची और दो बेलिप जरूर डालेंगे बहुत ही सिंपल और अच्छी और एकदम स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों हमारा फौरन अच्छे से जल गया है तो यहाँ पे हमने जो हमारा प्योरी ग्राइंड करके रखा तो दोस्तों सारा ग्रेवी देने के बाद यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन फोर्थ करीब हम टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों हाफ स्पून करीब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे यहाँ पे एक चम्मच भर के हम रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे साथ ही साथ यहाँ पे एक चम्मच बड़ी चम्मच से हम भर के धनिया पाउडर डालेंगे इसी स्टेज पे दोस्तों वन फोर्थ करीब गरम मसाला ऐड करेंगे तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसनेस एडजस्ट कर लीजिएगा साथ ही साथ यहाँ पे एक चम्मच भर के हम नमक ऐड करेंगे दोस्तों तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा क्योंकि नमक जो है हमने जब मसाले ग्रेवी को पकाया था तब भी हमने नमक ऐड किया था और मटर में भी हमने नमक डाला है तो इन सारी ग्रेवी को हम ढक्कन लगा के लो टू मीडियम गैस पे पकने देते हैं तो जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है अच्छे से तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटर को भी मैंने निकाल लिया है और जिस पानी में हमने मटर को उबाला था दोस्तों यहाँ पे टिप्स दे रही हूँ क्योंकि मटर को छील के मैंने थोड़ा ठंडा पानी से धो लिया था उसके बाद बॉईल किया था तो वो पानी हम फेंकेंगे नहीं उसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे इसी सब्जी में ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर लेंगे और बच जाएगा तो उसे आप ठंडा होने के बाद आटा भी गूँद सकते हो या दाल वगैरह भी उसमें कुक कर सकते हो बहुत ही हेल्दी पानी है क्योंकि मटर के सारे न्यूट्रिशन उस पानी में थे और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों मैं और एक टिप्स दे दे रही हूँ इस तरह से अगर हम मटर की सब्जी बनाएंगे एक तो अर्ली बन जाएगी साथ ही साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी और जो सब्जी का टेक्सचर होगा मटर जो उसमें दिखेगा बहुत ही बढ़िया दिखेगा यहाँ पे और एक छोटी सी टिप्स दे रही हूँ कि हरे हरे मटर को एकदम फ्रेश मटर को हम फ्रोजन मटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो जिस ट्रिक से मैंने यहाँ पे मटर को बॉईल किया है दोस्तों वैसे ही बॉईल कर देना है लेकिन यहाँ पे मैंने मटर को ज्यादा कुक कर दिया है दोस्तों क्योंकि मुझे अभी अर्ली इसका सब्जी बनाना है बॉईल करते समय उसे डेढ़ से दो मिनट ही बॉईल कीजिएगा ज्यादा कुक नहीं करना है पानी जो एकदम चिल्ड पानी होता है उसमें आइस क्यूब बहुत सारा डाल दीजिएगा बॉईल किया हुआ मटर जो रहेगा हमारा हरा मटर उस ठंडे पानी में डाल दीजिएगा उसके बाद उसको निकाल लीजिए सूखे हुए कॉटन के कपड़े में इस सारे मटर को ठंडे पानी से निकाल के थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा कम से कम आठ से नौ घंटा आप पंखे के नीचे छोड़ देंगे ना तो ये सारी जो पानी होगी मटर की वो सोख हो जाएगी मटर का पानी सूखने के बाद छोटे छोटे जितनी छोटी आप इसकी पौच बना के रखोगे पोलोथिन में उतना ही अच्छा रहेगा एक साथ ज़्यादा मटर भर के आप मत रखेगा इस तरह से छोटे पौच में मटर को पैक करने के बाद आप फ्रीजर में लंबे समय तक मटर का आनंद ले सकते हैं हरी मटर का फ्रोजन मटर में इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है हरी मटर को फ्रेश मटर को और उसके बाद आप इस फ्रोजन मट, मटर को होम मेड ये फ्रोजन मटर हुआ इस मटर को आप अर्ली ही सारा प्रोसेस क्या रहेगा तो आप मटर आलू की सूखी सब्जी बना सकते हो रज़ेदार सब्जी बना सकते हो मटर का पूड़ी बना सकते हो मटर का पराठा बना सकते हो गोदला बना सकते हो मटर पनीर बना सकते हो सूखी मटर की सब्जी बना सकते हो मटर का दाल बना सकते हो बहुत ही हेल्दी होती है होम फ्रोजन मटर बाहर से आपको लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी किसी में भी फिलअप करना होगा तो आप अर्ली इसको कर सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसी तरह से फ्रोजन मटर बनाया जाता है दोस्तों दोस्तों तीन मिनट हो गया हम अपना ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं और ये ग्रेवी हमारी अच्छे से देखिए ऑयल रिलीज हो गया है बढ़िया से पक गया है दोस्तों दोस्तों मसाले वगैरह ग्रेवी पकने का साइन रहता है कि आपकी ऑयल बढ़िया से रिलीज हो जाती है तब आपका मसाला जो है ग्रेवी सब बढ़िया से कुक हो जाता है इसी स्टेज पे दोस्तों आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेक्सचर चाहिए सब्जी में तो यहाँ पे आप दे सकते हो गाय का घी है एक चम्मच गाय का घी इसी स्टेज पे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा दोस्तों चम्मच में थोड़ा सा घी लगा हुआ था तो इसको भी क्यों वेस्ट करना इस आ, ग्रेवी हमारी गर्म है तो ये मेल्ट हो जाएगा घी हमारा जी स्टेज पे दोस्तों मिक्सी का जार है तो मिक्सी के जार में मैंने डेढ़ कप करीब पानी लिया है क्योंकि मटर और पनीर मेरा ज़्यादा है और साथ ही साथ वही पानी इस्तेमाल किया है मटर को जिसमें हमने बॉईल किया था तो यहाँ पे सारे पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं दोस्तों जैसी ग्रेवी आपको पसंद है उस अनुसार उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा दोस्तों इसको मसाले को दो मिनट के लिए लो टू मीडियम गैस पर थोड़ा सा पकने देते हैं तो दो मिनट हो गया है आप देख सकते हो बढ़िया से ये हमारी जो ग्रेवी है पक गई है इसी स्टेज पे आप देख सकते हो मटर है सारा बॉयल किया हुआ मटर हम इसमें ऐड कर देंगे मटर को फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों फ्राई करने से ये बहुत ही सिकुड़ जाते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं इसीलिए हम फ्राई नहीं करेंगे इस तरह से मटर लेने से मटर देखने में सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और मटर के साथ ग्रेवी को भी हम एक से डेढ़ मिनट ढक्कन लगा के पकने के लिए दे देते हैं नमक मैंने सब्जी के अकॉर्डिंग ही मसाला भूनते समय ऐड कर लिया था दोस्तों अब इसे भी हम चेक कर लेते हैं मटर के साथ हमारी जो मसाला वगैरह है ग्रेवी बढ़िया से कुक हो गई है इसी स्टेज पे हम फ्राई किया हुआ अपना सारा पनीर ऐड कर देंगे दोस्तों तो सारा पनीर हमने दे दिया है पनीर के साथ भी हम इसे पका लेंगे मटर और हमारे ग्रेवी को ढक्कन लगा के ही पकाएंगे दोस्तों तो बस ज्यादा नहीं पकाना है हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है पनीर को इतना ही पकाना है कि सारा फ्लेवर पनीर के अंदर रच बस जाए तो बस इसको डेढ़ मिनट के लिए ही लो टू मीडियम पे ढक्कन लगा के पका लेते हैं तो दोस्तों इसी स्टेज पे हम अपना सब्जी चेक कर लेते हैं वाओ सुपर बहुत ही बढ़िया है हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है इस स्टेज पे हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं दोस्तों दोस्तों इसी स्टेज पे हम ऐसा सीक्रेट चीज क्या मिलाएंगे महंगी सामान के इस्तेमाल किए बगैर आपका टेक्सचर जो है स्वाद जो है एकदम रेस्टोरेंट ढाबा होटल को मात देने वाली ये सब्जी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हनी है तो यहाँ पे तीन चम्मच क्योंकि मेरी काफ़ी क्वांटिटी में सब्जी बना रही हूँ ना आप जिस अकॉर्डिंग सब्जी बनाओगे उसी अकॉर्डिंग हनी का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर मैं तीन चम्मच करीब घानी का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों तो ये ट्रिप्स और ट्रिक्स बहुत न्यू है एकदम मेरे पापा इसी ट्रिक से बनाते थे बिना किसी कॉस्टली सामान के इस्तेमाल किए बगैर ये मटर पनीर इतनी हेल्दी और इतनी स्वादिष्ट होती थी जब गेस्ट आ जाते थे और कम सामान में बेहतरीन मटर पनीर बनाना होता था तो बस यही एक सीक्रेट चीज़ थी घी मूंगफली नारियल और हनी से ये सब्जी इतना बढ़िया और इतना हेल्दी हो जाता है कि बर्थ में आपको बहुत एनर्जेटिक रखता है आती साथ ही साथ स्वाद इसका ऐसा कि दोस्तों आप होटल जाना भूल जाओगे तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी की रेसिपी है एक बार आप इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे पापा जब ये रेसिपी बनाते थे दोस्तों यकीन मानिए उनके सारे दोस्त फ्रेंड उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे क्योंकि ये इतनी बढ़िया और डिलेशस सब्जी की रेसिपी है जो आज तक आपको किसी ने शेयर नहीं की होगी तो एक बार इस ट्रिक से तो ये रेसिपी बनाना बनता है और हमारी सब्जी गर्म है तो हम सारे हनी को इस तरह से मिला लेते हैं दोस्तों बहुत ही सॉफ्टली मिलाइएगा क्योंकि पनीर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं तो इसी स्टेज पे यहाँ पे फ्रेश फ्रेश कॉरिंडर लीव है इसको मिला देते हैं तो बहुत ही इंस्टेंटली आपको मैंने एक ही वीडियो में कई सारे टिप्स ट्रिक्स दिए फ्रेश मटर को काफ़ी लंबे समय तक फ्रोजन मटर में कैसे कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे साथ ही साथ अगर नवरात्रि वगैरह सब चल रही है तीज वर्त चल रहे हैं तो मटर पनीर सात्विक तरीके से कैसे आप बना सकते हो और बर्थ के दिनों में भी ताकतवर रह सकते हो एनर्जेटिक रह सकते हो दोस्तों साथ ही रेगुलर दिनों में भी अगर आपको कम सामान में इंस्टेंटली अगर गेस्ट वगैरह आ जाए घर पे कोई भी महंगी सामान क्रीम वगैरह दही और काजू नहीं है तो सिंपल तरीके से सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आप मेरे पापा की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हो आपको आनंद आ जाएगा दोस्तों रेसिपी में करते हैं अभी हनी और जो धनी पत्ता का टेस्ट फ्लेवर है सब पूरे सब्जी में मिल जाए इसको ढक्कन लगा के पाँच से दस मिनट छोड़ देते हैं दोस्तों पाँच से दस मिनट हो गया है अब ये आपकी सब्जी टोटली सर्व करने के लिए रेडी है दोस्तों बच्चे से बड़े बुजुर्ग बहुत चाव और प्रेम से खाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल ऐसी रखी है जैसा आपको इसका ग्रेवी रखना है आपके टेस्ट पे निर्भर करता है तो एक बार इस ट्रिक से ये रेसिपी बनाना तो बनता है वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा ताकि मैं इंस्टेंटली कम सामान में बेहतरीन सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ इस ट्रिक से बनाइए फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ घर पर खाइए या फिर लंच बॉक्स में ले जाइए खाते खाते अपनी इस प्यारी सी दोस्त को इस प्यारी सी रेसिपी के लिए याद करते रहिए बा बाय टेक